जमशेदपुर परसुड़ी थाना क्षेत्र के बाहागढ़ के रहने वाली पीड़ित विधवा महिलाओं ने उपायुक्त और परसुड़ी थाना में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि पड़ोस के कुछ लोगों के द्वारा ही घर को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं भाजपा नेत्री सह समाज सेवी महिला बारी मुर्मू ने कहा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय तत्काल मिलना चाहिए। वहीं महिलाओं की मदद कर रही भाजपा नेत्री सह समाज सेवी सेविका बारी मुर्मू ने कहा कि परसुड़ी बाहागढ़ के कुछ लोगों के द्वारा पीड़ित विधवा महिलाओं को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और उनके घर को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर उपायुक्त से मुलाकात की और न्याय की मांग की है। वहीं उपायुक्त ने तत्काल न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। बहागढ़ बस्ती का मामला है और एक वीडो महिला है चीता हेमरा और एक वीडो महिला है माया माधव। उन लोग दोनों वीडो इनको पति है नहीं। उन लोगों का घर कुछ लोगों का टोली बना हुआ, आनंद हस्ता, मदन हस्ता, लक्ष्मण मुर्मू, लखन माडी, जोगा माडी, शांति बास्की, इन लोग का एक टोली बना। इन लोग क्या करते, जो भी महिलाएं वीडियो होती है उसका घर को कैप्चर कर किसी और को बेचा जाता है। और हम दिन भर मीटिंग करते हैं और रात को जब महिला अकेले रहती है तब जाके जबरन घर को कब्जा करती जो है कि